नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, अब मिनी बाईपास है और चुनाव कार्यालय विधानसभा भिवानी क्षेत्र से कांग्रेस प्लस कम्युनिस्ट पार्टी के, और दोनों दो दिन पहले इंटरव्यू लिया था कमरे साहब का, तो हम अकेले थे। लेकिन आज देखे जी, आज कांग्रेस पार्टी का दम और खम और उनके कार्यकर्ता और जोश आज ऑफिस बन चुका, और एक व्यक्ति से आज हजारों व्यक्ति बन चुके हैं। अब देखते हैं जी, अभी हजारों व्यक्ति कितने वोटर अंदर तब्दील हो पाएंगे, किस तरह से जिताने का काम करेंगे, क्योंकि बीड़ा बड़ा बड़ा है। और भाई साहब नमस्कार, आ जाओ आ जाओ, नमस्ते, कैसे आसो बता। बहुत बढ़िया जी भाई, तो भयंकर लट गया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी अब की बार भिवानी की सीट 15 साल बाद जीतने जा रही है। अच्छा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने के नेतृत्व में, तो भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हमें पहली बार इतना बढ़िया और ईमानदार और संघर्षशील व्यक्ति जो टिकट लेके आया है, सीपीएम का भाई है, गठबंधन में गई है, बड़ा मजबूत आदमी। तो लगता है कि आपके बार बदलाव भी होगा? अब वो तो प्रदेश में तो बदलाव अब की बार 85 पार है, प्रदेश 85 पार। मैं एक दिन कह रहा था 75 पार, लेकिन आज मैं कहता हूँ 85 पार। दो दिन पहले मेरा कमरेड साहब सवाल किया था, कमरेड साहब आप तो अकेले गुप्पो हो, अकेला नहीं है कमरेड भाई, सारी कांग्रेस साथ है, हम सब साथी भाई का तन मन धन से साथ है, साथ दिया जाएगा, साथ दिया जाएगा। चलो साहब, अब मैं मिलता लूंगा पूरे से बात। तो ये है जी, अब लोगों का साथ भी है, लोगों का प्रेम भी है, और लोगों का प्रेम कुछ और ही बयां कर रहा। इन्होंने कहा 15 साल की जो बीड़ा है वो अब टूटने जा रही शहर से, इस हलके से, कि अब की बार का दोष वो अलग ही होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, वह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, और नेता तेरे पास में काम करता रहूंगा। की पार्टी है तो नया होगा। हाँ जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुनाई, ठीक है सर। आप सुने, बस किस प्रकार से टिकट बंटवारा हुआ, सारे थरते थे, आज वो एक मंच के नीचे आज को, तो क्या मानते हैं ये बदलाव की शुरू हो चुकी या फिर पार्टी हाईकमांड का फैसला, तो बात खत्म होगी। अब कॉमरेड ओम प्रकाश जी ठेगा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, हम सब उनके साथ हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। कमरेड साहब, दो दिन मैंने पहले इंटरव्यू किया, पार्क के आगे खड़े हो गए, मैंने कमरेड साहब तो एक ही खड़े हो, तो उन्होंने कहा था दो दिन डटा जी कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ। अच्छा, कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन, पूरी तरह कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता, तो 15 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई दीपेंद्र की पूरी फौज उनके साथ, तो 15 साल का किला टूटेगा आपकी बात, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश की जाएगी। चलो थैंक यू जी, ये पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो अब की बार चुनाव तुला भी है और बड़ा भी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कमरेड फूल सिंह इंदौरा सीपीआई का जिला सचिव हूं, उन्हें के नाते हमारा सीपीआई और सीपीएम की तरफ से जो हमने जो साझा उम्मीदवार खड़ा किया कमरेड ओम प्रकाश जैसा ईमानदार कोई व्यक्ति नहीं है, और अब की बार जो है ना कांग्रेस और सीपीआई के बहुमत से हम इनको कॉमरेड को जिताएंगे। धन्यवाद आपका। जीत गया तो मिले, बन गया 100% अच्छा। 36 बिरादरी का नेता, कोई किसी की एकली बिरादरी का नेता को नहीं हो, सच्चा ईमानदार कर्मठ मेहनती ईमानदार, तो आदमी चाहिए कि इस आदमी मिले, तो ही भी कोई मिले यार, और पूरा पार्टी लोग ऊपर दे दिया। बिल्कुल, जमा एक तरफ एक तरफ जीत है ओम प्रकाश कामरेड की, कम से कम सब 1,00,000 वोटों से जीत के भिवानी से निकलेंगे, और इन जैसे कर्मठ मेहनती भिवानी शहर में तो कोई है नहीं, और नए मैंने आज तक देखा है किसान आगे रहता है। चलो अब मिलते रहेंगे, बात करता रहूंगा, लेकिन यह है कि आज उस नेता की ईमानदारी दिख रही, उस नेता का काम भी दिख रहा, उस नेता का व्यक्तित्व भी दिख रहा। तो कमरे साहब नमस्कार, कमरे साहब नमस्कार, कमरे साहब नमस्कार, मुबारक कमरे साहब, आपको भी, आपको आ जाओ आके कर देंगे। तो कमरे साहब तो बात करना काम करना, कमरे साहब बात तो करनी पड़ेगी, बाद में करेंगे बात, ठीक है ठीक ठीक। वो हमारे कांग्रेस नेता से ले जाएंगे, दो दिन पहले मैं आपको कहता था आप अकेले हो, लेकिन आज कारवा बन गया। ना ना ना, अकेले को नहीं, सारी जनता अपने साथ। कमल साहब, तो कमल साहब आज ड्रेस का कोड भी बदल गया है, वो स्टार को नहीं गए, वो देव पति के, और हम क्या कहें कमल साहब। लो जी, नेता बिजी है, लेकिन यह है कि आज मिला जुला कैंडिडेट मिल चुका, और लोगों की बात लेने का काम कर रहा हूँ मैं, कि अब की बार जीत को किस तरह से, पांच चार आदमी है, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक ठाक। अचानक से एक लहर सी किस तरह बने, दो दिन पहले कमरे साहब से बोला, कमरे साहब आप तो अकेले खड़े हो, उन्होंने कहा था दो दिन डर जाए सारी चीज इकट्ठी होंगे, तो अचानक से इतना बड़ा बदलाव, ये
प्रजातंत्र है, जनता की आवाज है, हर आदमी बदलाव चाहता है, बाकी आके देखते हैं लोग। तो बहुत अच्छा लगा, टूटेगा आपकी बात, टूटना चाहिए, उम्मीद है, बिल्कुल। हर व्यक्ति को उम्मीद नमस्ते, यानी उम्मीद तो देश कायम है, क्या है उम्मीद में तो देश कायम है। उम्मीद में देश कायम नहीं है जी, ये सबसे हरियाणा में सबसे बढ़िया कैंडिडेट ओम प्रकाश है और जनता भारी बहुमत से इसको जिताएगी। इतना बढ़िया कैंडिडेट मिला है, जनता बांट देख रही थी। चलो जी, जनता वेट कर रही थी कैंडिडेट का। तो नमस्ते भाई साहब, है ठीक ठाक है, तो माहौल बन गया तो? हाँ बिल्कुल भाई साहब, माहौल एक तरफ आपकी बार कांग्रेस की तरफ। अच्छा, यहाँ से तो एक ऐसे उम्मीदवार को चुना गया है जो बिल्कुल निष्पक्ष, ईमानदार, कर्मठ, योग्य है। चलो जी, तो और मिलेंगे, और से बात करूंगा, लेकिन ये है कि आज का जो मंगेश भवन है ये कुछ और ही बयां कर रहा और कुछ और ही दृश्य दिखाई दे रहा आज मंगेश भवन के अंदर। नमस्कार बाबा जी, कैसे हैं? तो आप भी टिकट की तोड़ में थे लेकिन वो किसी और को मिली, तो क्या मानते हैं अब ये जो जीत है कितनी आसान रहेगी, आपको जीत कितनी आसान होती और आप कितना रहेगा? ऐसा है, हम 34 कैंडिडेट थे, उसमें मुझे तकलीफ नहीं है, टिकट मेरे को नहीं मिली, एक को ही मिलनी थी, लेकिन जिस आदमी को टिकट मिली वो बहुत ही ईमानदार है, मेरे से भी ज़्यादा ईमानदार है, और उसने संघर्ष किया है भिवानी में, हर इंसान के लिए संघर्ष किया है। और हम कैसे जीतेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बीजेपी ने इतनी तकलीफ दी है लोगों को, इतने मुद्दे छोड़े हैं, हम उसको लेके समाज में जाएंगे। लोगों को PID के लिए परेशान घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी अपनी है चढ़ी हुई किसी और के नाम है, फैमिली ID में बेचारे की इनकम है नहीं, और हैंडीकैप को भी ड्राइवर दिखाया हुआ है। लोगों की पेंशनें काट दी गई, लोगों के पीले गुलाबी कार्ड काट दिए गए, 10 साल तक सीवर सिस्टम नहीं संभाल पाए ये लोग, सीवर भरे हुए हैं, 15 मिनट पानी बारिश होती है तो 2 दिन पानी निकलने में लग जाते हैं। और ऐसे नॉन एनर्जी चार्ज कितना खतरनाक मुद्दा है, आम आदमी को मालूम नहीं, नॉन एनर्जी चार्ज के नाम से इन्होंने लूट मचा रखी है, हर बिल में जो बिजली हमने फूकी नहीं, जलाई नहीं, और उसके इन्होंने हमारे एक एक पल का हिसाब लेगी पब्लिक इनसे। लेकिन उम्मीदवार उतार दिया, बाहर का उम्मीदवार कौन उम्मीदवार है जानते नहीं लोग, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का उम्मीदवार है, ठीक है, गठबंधन इंडिया गठबंधन में टिकट इनके खाते में आई है, हम लोगों को समझाएंगे, और वैसे भी इनकी खुद की छवि इतनी अच्छी है तो इनको तो कोई मानता ही नहीं कम्युनिस्ट उम्मीदवार है, ये सभी इसको कांग्रेस उम्मीदवार मानेंगे और अपना उम्मीदवार मान के चले। यानी अब ये उम्मीदवार भिवाड़े के अंदर डीप बिठा देंगे, ये उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेगा और बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेगा, क्यों लोग कैसे भूल सकते हैं, 5 साल तक जो उम्मीदवार सोया रहा उसको कैसे भूल जाएंगे, 5 साल 15 साल है, सॉरी 15 साल 15 साल आप भी भूल गए। हाँ मैं भाई आ जाओ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, माहौल बनाओ भैया, किस तरह बना गा रही हो, किन्नक बैठ गया भाई साहब, एक तरफा जितावांगे कामरेड साहब ने, 15 साल का पटाना मत तोड़ांगे। अच्छा, किसी भी कीमत पे छोटा को नहीं, मतलब आप ये देखो अभी तक आज तक 15 साल हो गए, किन्ना करियर है बन रहे, एक तरह कल अपने विधायक जी डोर टू डोर हो रहे थे, आज तक जल्दी से कितने गए को नहीं, एक बार आपने जब विधायक जी किरोड़ी मंदिर धोरे के जाओ देर मैं भी जाऊं था, आपने रोक लिया था, आपने कही भी आज विधायक जी इनके दुकानदार आ गए, बोले अब समस्या सुनने आ रहे, तो आपने कहे आप इसके बारे में क्या कहोगे, तो मैंने तो एक बात कही थी विधायक जी भी जाके कभी, तो आज कामरेड साहब को टिकट मिलना और कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर है कामरेड साहब के साथ लगना, विधायक जी अब डोर टू डोर रहे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, अभी अच्छे रहे, और आने वाला समय जो 15 साल से भिवानी को अंधेरे में डाल रखा था, आप ये देखोगे भिवानी के अंदर एक भी चीज ठीक नहीं, पीने का पानी है यार, जो ये तो जो सीट है तो घनश्याम के ब्याह ही गई, यानी घनश्याम के रह बाकी ऐसा है, हम समझा हाँ अब तक ऐसा है हुआ है, और अब तक भी लोग सोचने लग रहे भी एक तरफा प्लेट में परोस के दे दी, आज भी है लोग, लेकिन आने वाला जो समय है सच्चे कार्यकर्ता कामरेड साहब एक ईमानदार आदमी है, उन्होंने रोड के ऊपर संघर्ष किया है, गरीब आदमी की आवाज उठाई है, और आज भी वाणी की जनता ये चाह रही है कि भी जो एक शरीफ और ईमानदार आदमी जिसको कांग्रेस और CPIM ने टिकट दी है, और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य ये रहेगा कि 89 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है,
और भिवाणी वाले जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका सौभाग्य रहेगा कि कॉमरेड ओम प्रकाश को जिता के न सीपीआईएम के और कांग्रेस का जो ऑल इंडिया लेवल पे समझौता है उसको बहुत ही मजबूत बनाने का। अब की बार ईमानदार व्यक्ति मिला है। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक साइकिल पे चलने वाला पैदल चल के लोगों की गरीब आदमी की आवाज उठाने वाले आदमी को जो आज इंडिया गठबंधन अलायंस में जो टिकट मिला है ना, ये पूरे हरियाणा में 90 के 90 हल्का में ऐसा कैंडिडेट नहीं है। वो दो दिन पहले मैं बोला था इंटरव्यू में, बीर सिंह पालक दौड़ा खड़े हो गए, मैं बोला कमल साहब आप तो एक ही खड़े हो, आपका आगे पीछे किमे को नहीं लड़ जे, शांति कर सब चीज आओगे, मेरा बंदा जो जन सलाम जो समुद्र पर का सोता ब्याह लेगा। ये बिल्कुल सही बात है, हमारा जो भिवाणी का कैंडिडेट है ना, इससे ईमानदार पूरे हरियाणा में कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। और 100% जीतेगा, किसी प्रकार की मीनमेक नहीं है, किसी प्रकार की भी, सब हम साथ हैं, पूरे कांग्रेसी और सीपीएम वाले और पूरी जनता जो है ना उनके साथ। पहले तो सुतलम बनाया करते हैं, ईमानदार बनाओगे? हाँ बिल्कुल ईमानदार ना, जो लोगों की आवाज 24 घंटे उठाने वाला आदमी उसको हमें हमारे को जो कैंडिडेट दिया है इंडिया गठबंधन ने, हम उनको जी जान से जिताएंगे। मेहनत तो भाई साहब मेहनत बिना तो कुछ भी को नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो दिन रात एक करना पड़ेगा, और एक आदमी ने नहीं, कॉमरेड साहब के अकेले जितने भी कांग्रेस के लीडर हैं सारे ने मेहनत करनी पड़ेगी, सब ने कॉमरेड बनना पड़ेगा, सब ने कॉमरेड को नहीं, सारे ने ओम प्रकाश कॉमरेड बन के ये सोचते सारे ने टिकट मिल रही है, और कांग्रेसिया के लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा को, राहुल गांधी को, उनको ये संदेश देने का भी आपने सीपीआईएम के एक साधारण व्यक्ति को टिकट दी और कांग्रेस पार्टी के जुझारू वर्करों ने मिलके जो एक 15 साल से 3 योजना से मतलब कुंडली मारे सीट के ऊपर बैठा हुआ उस विधायक को हरा के बहुत ही सुनहरी अक्षरों में नाम लिखने वाला भिवाणी का। हम तो शाम से हैं जी, भिवाणी हमारे मुस्लिम समाज के सभी वोटों को देने का काम करेंगे, ओम प्रकाश जी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये 90 के 90 जो प्रत्याशी खड़े हैं उनमें सबसे ईमानदार व्यक्ति है तो ओम प्रकाश कामरेड है। ये वो व्यक्ति है जो कि एमएलए एमपी बनने के बाद ये नहीं होगा कि भाई एमएलए साहब सो रहे हैं 10 बजे उठेंगे, या रात को कोई चला गया चाहे 12 बजे जाए तो ओम प्रकाश कामरेड उसको गेट पर मिलेगा, नहीं कि बिस्तर पर सोएंगे नहीं ये, और रोड पर मिलेंगे आपको, इतने ईमानदार और इतने जुझारू और काम करा आदमी है ये। चलो धन्यवाद। तो और व्यक्ति मिले तो और उससे बात कराऊंगा।